कानपुर से पुलिस के मुखबिरों ने खुलेआम दुकान में घुसकर गुंडई की है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस के मुखबिरों ने खुलेआम दबंगई की और दुकान के सामने बाइक खड़ी करने से मना करने पर मारपीट की है। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से आपको बता दें, दुकानदार ने मुखबिरों समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। तो दुकानदार ने मुखबिरों समेत तीन पर मुकदमा दर्ज करवाया है। मुखबिरों की गुंडई सामने आई है, कानपुर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मुखबिरों की गुंडई सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, मुखबिरों की गुंडई दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर दुकान में लगे सीसीटीवी में मुखबिरों की गुंडई कैद हुई है। और बेगनगंज में पेंचबांग रेडीमेड मार्केट में ये घटना हुई है। रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तारी न करने से मुखबिर के हौसले बुलंद बताए जा रहे हैं। और इसी खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुनील गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, दुकान के सामने बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद पुलिस के मुखबिरों ने खुलेआम दुकान में घुसकर गुंडई की है। जी बिल्कुल, ये जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उससे एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि जो जिसका जो मन कर रहा है वो खुलेआम गुंडई कर रहा है। और उसके बाद ये है कि जब ज्यादा दबाव पड़ता है तो पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और यही कारण है, सबसे बड़ी बात जो इसमें एक सामने आई है कि ये जो जो दुकानदार को पीट रहे हैं लोग, वो पुलिस के मुखबिर हैं। क्योंकि ये जो मुखबिर हैं वो इस कदर उनका थाने में वर्चस्व कायम है कि उनके खिलाफ मुकदमा जरूर लिख गया, लेकिन पुलिस ने अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। इससे लेकर के जो दुकानदार हैं उनमें खासा आक्रोश है। उनका कहना है कि अगर पुलिस की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन इन सब तमाम घुड़कियों के बाद भी कोई भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं किया जाना, तो इससे तमाम चीजें ये है कि वो जो मुखबिर हैं उनके हौसले बुलंद हैं। और वो इस तरीके की वारदात, ये कोई पहली वारदात नहीं उनकी, वो इस तरीके की पहले भी वारदात कर चुके हैं। यही कारण है कि वो लगातार लोगों के साथ आए दिन उनकी दुकानों में घुस करके मारपीट करते हैं, तो किसी को रोड पर पकड़ करके मारपीट करते हैं, वो वसूली के भी काम करते हैं, लेकिन इन सब जानकारी के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। और यही कारण है कि इन मुखबिरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि एक बार फिर से उन्होंने दुकानदारों के दुकान में घुस करके उसके मारपीट की। और बात सिर्फ इतनी थी कि उस दुकानदार ने मना किया था कि दुकान के बाहर बाइक मत खड़ी करो, क्योंकि जो दुकानदार है उसको ये संदेह था कि ये जो मुखबिर है ये कहीं ना कहीं एक चोरी की बाइक या किसी गड़बड़ उसमें कुछ गड़बड़ी करके बाइक उसकी दुकान के सामने खड़ी करके उसको फंसाने का भी प्रयास कर सकते हैं। इसकी भी फिलहाल उन्होंने शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई न करने से उनके जो दुकानदार हैं, जो पूरा रेडीमेड मार्केट है, उन लोगों में इनके प्रति बड़ा आक्रोश है। और उनका कहना है कि जल्दी पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो वो लोग धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। बिल्कुल, लेकिन सुनील जी, अब जब इस पूरी गुंडाई का हम कह सकते हैं वीडियो सामने आ चुका है, सीसीटीवी फुटेज सामने आया, क्या लगता है आप, पुलिस के लिए कार्रवाई करना, पुलिस को यहाँ पर कार्रवाई करनी पड़ेगी? क्योंकि जिस तरह से इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि ये मारपीट कर रहे हैं दुकान के भीतर घुसकर, तो मुझे लगता है कि अब कार्रवाई होनी चाहिए इन मुखबिरों पर। बिल्कुल, इसमें जिस तरीके से एक मामला कोई पहला नहीं है, कानपुर में इस तरीके के तमाम मामले आ रहे हैं कि जो जो कहीं ना कहीं जो छुटभैया नेता हैं वो, या फिर जिस तरीके जो मुखबिर हैं वो किसी के भी दुकान में जाकर के ताला डाल देते हैं और उसे कहते हैं दुकान मुझे बेच दो, वो दुकान नहीं बेचता है, तो उसके महीनों तक दुकान में ताला बंद करके उस दुकानदार को परेशान किया जाता है। और इस तरीके से जो दुकानदार है वो कहता है दुकान के सामने गाड़ी मत खड़ी करो, तो वो दुकानदार को पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनसे इस तरीके के तमाम मामले एक के बाद एक मामले आते जो, ये स्थिति तब है, ये इन मामलों की गुहार के लिए लोग लखनऊ तक जा चुके हैं, मुख्यमंत्री दरबार तक उन्होंने वहां पर शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो इस तरीके के जो दबंग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और यही कारण है कि उनके लगातार हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और वो कभी भी किसी एक बड़ी जब घटना को अंजाम दे देंगे तब जाकर के शायद जो पुलिस के अधिकारी बैठे हुए हैं उनके कानों पर जूं रोकेंगे। और इसी तरीके की लगातार वो घटनाएं लगातार करते चले जा रहे हैं। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ सुनील जी जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल यह अहम खबर, जहां पर दुकानदार ने मुखबिरों को बाइक खड़ी करने से मना किया, जिसके बाद पुलिस के मुखबिरों ने खुलेआम दुकान में घुसकर दबंगई करना शुरू कर दिया और दुकानदार के साथ मारपीट तक कर डाली है। लेकिन अब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद इन पर कार्रवाई किया जाना आसान हो गया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कानपुर में पुलिस के मुखबिरों ने खुलेआम दुकान में घुसकर दबंगई की है। और